हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म और वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड्स बोलते हैं। मतलब ये है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव जैसे हो गया, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय, यानी रमेश एक अच्छा लड़का है। रमेश की विशेषता बतलाई जा रही है, तो जो गुड शब्द है वो एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव के कई टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के 8 प्रकार हैं, इसको एक एक करके देखेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब जो है विशेषता बतलाता है। ऑफ व्हाट काइंड, कोई व्यक्ति किस टाइप का है, कोई वस्तु किस टाइप का है, जो क्वालिटी को बताता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे ब्रेव हो गया, गुड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो ये होगा, जैसे ब्रेव, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, सी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि क्वालिटी को बताया, जो किसी विशेषता को बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मतलब कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है, हाउ मच, हाउ मेनी नहीं, हाउ मच। तो जब मात्रा को बताना होता है तो एडजेक्टिव आप क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, हाफ हो गया। जैसे ही हैज़ लिटिल शुगर, इस तरह के एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो मच, लिटिल, हाफ, ये सब क्या है? एडजेक्टिव आप क्वांटिटी है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, जिसमें संख्या को दर्शाया जाता है। जो काउंटेबल नाउन होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जैसे वन हो गया, टू हो गया, ऑल हो गया, सेवरल हो गया, ईच हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सम और ऑल का प्रयोग, ईच का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी करते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी करते हैं। नेक्स्ट है टाइप डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जिस शब्दों से हम किसी वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं, ये एडजेक्टिव जो है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, दोनों में अंतर है। तो डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, ये सब डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का कार्य होता है वो डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे व्हाट हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिन शब्दों को हम कहते हैं, वही शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। दोनों का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, पहचानने का तरीका अलग है। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे कि इटालियन हो गया, इटली से इटालियन हो गया, इंडिया से इंडियन हो गया, रसिया से रसियन हो गया। इसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है जिससे पजेशन शो होता है, जैसे हिज, हर, देयर, आवर, माइन, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिससे डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, प्रॉपर प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये सारे प्रोनाउन के भी टाइप्स हैं, लेकिन उसके पहचानने का तरीका अलग होता है। तो मैं बता रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो ईच,
एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। थैंक यू वेरी मच।